किस कारण से हर साल जाती है इतने लोगों की जान? आखिर इस महीने में ही क्यों होती है लोगों की मौत? इन उपायों से बच सकती है लोगों की जान। आंकड़ों से समझिए क्या है मौत का असली कारण। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको एक एक पॉइंट में समझाएंगे कि आखिर इस महीने में ही क्यों जाती है लोगों की जान, साथ ही किन किन उपायों को कर बचा जा सकता है। आपने रहस्यमय घटनाओं के बारे में कई कहानियां सुनी होंगी, आपने फिल्मों में भी देखा होगा किस तरह से रहस्यमय घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। हम आपको इस वीडियो में किसी भी ऐसी घटना के बारे में नहीं बताने वाले हैं जिससे कि आपको डर लगने लगे, ताकि आप ऐसी स्थिति आने पर डरे नहीं, उसका सामना करें और सही स्थान का चयन करें ताकि आपकी जान बच जाए। हमने आपको पहले ही बताया कि हम आपको किसी भूत भूतिया की कहानी नहीं, दरअसल हम आपको जागरूक करने वाले हैं। देश में जब मानसून की शुरुआत होती है तो लोगों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। इससे दो कारण है, एक तो लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगेगी, वहीं दूसरी खेती किसानी के लिए यह काफी अनुकूल समय होता है। मानसून के समय में एक तरफ जहां तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की घटनाएं आम होती है, लेकिन वज्रपात और बाढ़ की स्थिति के कारण लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में आज हम आपको वज्रपात से बचने के उपाय के बारे में बताएंगे, साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि इस दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस दौरान आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको बता दें कि जून का वह महीना होता है जब पूरे देश में मानसून की शुरुआत होती है। सबसे पहले दक्षिण पश्चिम के हिस्से में मानसून प्रवेश करता है और जून के मध्य आते आते बिहार में इसकी दस्तक हो जाती है। मीडिया के आंकड़ों को देखेंगे तो पता चलेगा कि एक साल में लगभग 2000 लोगों की जान मौसमी घटनाओं के कारण हो जाती है। वार्षिक वज्रपात रिपोर्ट 2021-2022 के आंकड़ों के अनुसार बिहार वज्रपात के मामले में 10वें स्थान पर रहा। इस दौरान प्रदेश में 2,59,266 बार इस घटना को दर्ज किया गया। कहा जा रहा है कि यह पिछले साल की तुलना में 23% कम है, जबकि 2019 में वज्रपात से पूरे देश में 2876 लोगों की जान चली गई थी, बिहार से 221 लोगों की जान चली गई थी। वहीं 2018 में पूरे देश में वज्रपात से 3000 लोगों की जान गई, जिसमें और अगर हम 2020 के आंकड़ों को देखेंगे तो 1415 लोगों को बारिश के दौरान वज्रपात और बारिश दोनों से जान चली गई। आकाशीय बिजली की घटनाओं में बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, असम, केरल और तेलंगाना में ज्यादा घटनाएं देखने को मिलती है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि आकाशीय घटनाएं जुलाई के दूसरे सप्ताह में देखने को मिलती है, यानी कि यही वो महीना है जब लोगों की ज्यादा जान जाती है। ऐसे में हमें जुलाई और जून के महीने में सतर्क रहने की जरूरत है। अगर आप इस दौरान घर के अंदर हैं तो घर के अंदर सभी इलेक्ट्रिक उपकरणों का प्लग निकाल दें, तार वाले टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें, खिड़की दरवाजों से दूर रहें, प्लम्बरिंग यानी कि जो पाइप की सामान है, जो नल की सामान है और जो लोहे की चीजें हैं उससे आप दूर रहें, उसे इस दौरान न छुएं, नल के बहते पानी का इस्तेमाल न करें, हो सके तो उस टोंटी को भी बंद कर दें। अगर आप घर से बाहर हैं तो आपको तुरंत किसी घर के अंदर चले जाएं। अगर आप टीन के शेड में हैं तो यहाँ आप सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप खुले आसमान में हैं तो छुपने का प्रयास करें, जमीन पर भूल कर भी न लेटें और जमीन पर हाथ तो कतई न रखें। पेड़ के नीचे तो आपको गलती से भी खड़ा नहीं होना है, यानी कि अगर आप खुले आसमान में हैं तो पेड़ के नीचे कभी न छुपने का प्रयास करें। अगर आप एक स्थान पर कई लोग हैं तो लोगों को एक दूसरे से दूर करें और दूरी फैलाकर रहने का प्रयास करें। अगर आप कहीं गाड़ी से जा रहे हैं और आकाशीय बिजली जैसी घटनाएं हो रही है तो आप अगर कार में हैं या फिर बस में हैं तो आप सुरक्षित हैं। इस दौरान घर से बाहर धातु की वस्तुएं पहनकर ना निकलें, ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। तालाब या फिर पूल में हैं तो आपको तुरंत बाहर निकलने की जरूरत है। इस दौरान अगर किसी को बिजली का झटका लगता है तो उसे तुरंत CPR दें या फिर डॉक्टरी इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में ले जाए, किसी नुस्खे का इस्तेमाल न करें। तो ये थे वज्रपात से जुड़ी हुई घटना जो कि आपको वज्रपात के दौरान जान बचा सकती है, आपको छुपने में मदद कर सकती है।